Sony's contribution in the field of mobility is not exclusive to the technology of safety. We believe that evolution of mobility will also redefine cars as a new entertainment space. Welcome to the Cybertruck Unveil. So I wouldn't say, you know, Google's a competitor because they're not a car company. We would compete with somebody perhaps that they license technology to, but not to them directly. Right. Apple? That'll be more direct. That'll be more direct? Yeah. This prototype embodies our contribution to the future of mobility and contains a variety of Sony's technologies. There are 33 sensors to monitor the outside and inside of the car, proving the viability of sensing features and the capabilities of Sony's solutions. We're gonna give the trucks a moment. Give the trucks a moment. All right. Welcome to the Tesla Semi Truck event. I hope you like what you see. What it's like to be in a Tesla truck. This is real time. So that's the Tesla Semi will go 0 to 60 in 5 seconds. So that's by itself or with a trailer. Now at 80,000 pounds max gross vehicle weight, that's the most amount of weight you can carry on a US highway. This is the real-time acceleration of a Tesla Semi. That on the left, the thing that looks like it's not moving is a diesel truck. Thank you.
जॉर्ज हॉर्ट्स, ये नाम कभी सुना है? अगर आपने कभी नहीं सुना है तो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस पर्सन टू यू। जब ये बंदा जॉर्ज हॉर्ट्स उसके टीन एज में था, उसने आईफोन 3 बार हैक किया था, 3 बार, और वो भी 0 डे अटैक्स, नॉट वंस, 3 टाइम्स इन अ रो। मतलब जब भी 0 डे उसको बोला जाता है, जिस दिन आईफोन लॉन्च हुआ उसी दिन उस आईफोन को हैक करना, यार उसने कितनी बार किया, 3 बार किया, 3 ईयर्स इन अ रो। और वो कॉम्पिटिशन जीत के उसने फिर आईफोन को सबमिट किए थे वल्नरेबिलिटीज। दैट्स जॉर्ज हॉर्ट्स। ये वहाँ पे रुका नहीं, उसके बाद प्लेस्टेशन 3 और प्लेस्टेशन 4 जब लॉन्च हुए उनके ऊपर भी 2 साल इन अ रो उसने 0 डे अटैक्स किए थे। इनफैक्ट वो प्राइवेट की, सोनी की जो प्राइवेट की है वहाँ तक पहुँच जाता, और वो पब्लिक स्पेस में उसने प्राइवेट की एक्सपोज कर दी थी। दैट्स जॉर्ज हॉर्ट्स, गुड इंटेंशंस। और उसके बाद फिर सोनी के साथ मिलके, दोनों ने मिलके जो वल्नरेबिलिटी सोनी के प्लेस्टेशन में थी वो सॉल्व कर दी थी। दैट्स जॉर्ज हॉर्ट्स। उसने उसके एंड्रॉयड हैकिंग्स के स्किल्स देखकर गूगल ने, और वो भी गूगल के प्रोजेक्ट जीरो टीम ने उसको हायर किया। प्रोजेक्ट जीरो ये वो टीम है गूगल की जो बस 0 डे अटैक्स के ऊपर काम करती है। ये प्रोजेक्ट जीरो वही ग्रुप है जिन्होंने मेल्टडाउन और स्पेक्टर, मतलब सीपीयू के ऊपर, इंटेल सीपीयूज के ऊपर जो अटैक किए जाते हैं मेल्टडाउन स्पेक्टर थ्रू, वो मेल्टडाउन स्पेक्टर इसी ग्रुप ने ये किए थे, डिस्कवर किए थे। सो वो प्रोजेक्ट जीरो टीम में 2 या 3 साल उसने काम किया। उसके बाद ये बंदा रुका नहीं, वहाँ पे उसके बाद उसने खुद की क्रिप्टो करेंसी निकाली। जैसे हम लोगों को पता है इथेरियम वो की एक क्रिप्टो करेंसी है, वो क्रिप्टो करेंसी इथेरियम जो है उसके हिसाब से, जॉर्ज के हिसाब से ज़्यादा कंप्यूटेशन साइकिल्स यूज़ करती है, मतलब जीपीयू साइकिल ज़्यादा यूज़ करती है। तो उसको कम जीपीयू साइकिल्स यूज़ करने वाली चीप ETH ऐसा बोल के, चीप इथेरियम बोल के उसने खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी। वो भी उसका अच्छा वेंचर हुआ। उसके बाद ये बंदा रुका नहीं, लुक एट दिस फेलो। उसके बाद अपने खुद के गैरेज में गया और 2 या 3 साल एक्सटेंसिव रिसर्च करके अकेले बंदे ने सिंगल हैंडेडली उसने खुद की सेल्फ ड्राइविंग कार अपने खुद के गैरेज में जाके बनाई। ये उसकी अकूरा कार है। आप देख सकते हो लिनक्स का एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया, मोर प्रिसाइसली यूबंटू यूज़ किया गया है। ये चाहता था, उसका एल्गोरिदम भी काफ़ी रिवोल्यूशनरी टाइप से बनाया गया है, क्योंकि नॉर्मली कैसे होता है कि कार को आप लोग इंस्ट्रक्शन देते हो, आप AI को इंस्ट्रक्शन देते हो कि इस तरह से कार ड्राइव करो, उस तरह से ड्राइव करो। इंस्टेड ऑफ दैट ये बंदे ने जो कैमरा सेंसर्स वो जो भी यूज़ किए थे, पहले वो खुद ड्राइव करेगा, वो कैमराज और सेंसर्स वो डेटा सब लेंगे, इसके खुद के AI के अल्गोरिदम को देंगे, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को देंगे, और वो AI खुद सीखते जाएगा अपने आप कि जॉर्ज किस तरह से गाड़ी ड्राइव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कितने डिस्टेंस, कोई ऑब्स्टेकल बीच में आया तो कितने डिस्टेंस के बाद वो क्लोज ऑब्स्टेकल आने के बाद वो ब्रेक प्रेस करता है, कब वो टर्न्स लेता है, कब वो स्पीड अप करता है, कब वो स्लो डाउन करता है, ये सब AI जॉर्ज का ड्राइविंग देख के सीखेगा, और उसके बाद वो एल्गोरिथम खुद को इवॉल्व करेगा और कार सेल्फ ड्राइव करना शुरू हो जाएगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी उसने सेल्फ ड्राइव बनाई थी, वो चाहता था टेस्ला खरीदे, वो इलॉन मस्क के साथ उसका मीटिंग भी हुआ था, लेकिन इलॉन मस्क ने वो नहीं खरीदा। तो चिढ़ के इस बंदे ने अकेला फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और टेस्ला का जो मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके 2 चक्कर ये सेल्फ ड्राइविंग कार थ्रू उसने लगाए थे, कार ने खुद लगाए थे जब वहाँ पे ड्राइवर नहीं था, तब खुद सब ऑब्स्टेकल्स आइडेंटिफाई करके। दैट्स जॉर्ज हॉट्स। तो उसके बाद ये बंदा रुका नहीं, उस बंदे ने ये उसका जो घर में, उसके गैराज में जो प्रोजेक्ट बनाया उसने सेल्फ ड्राइविंग कार का, ये प्रोजेक्ट को उसने ओपन सोर्स कर दिया, जिसको नाम दिया गया ओपन पायलट। तो अब ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, आप नेट पे जाके उसको चेक कर सकते हो, GitHub लिंक्स वगैरह सब उसके हैं, आपको डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो, आप उसमें एनहांसमेंट कर सकते हो और खुद का प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हो, इट्स ऑल वैलिड। दैट्स ओपन पायलट प्रोजेक्ट बनाया। तो ये ओपन पायलट के अभी तक, जब आपको बताना चाहूँगा कि कम्युनिटी ने किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया, जिसको अपस्ट्रीम कम्युनिटी बोला जाता है, ये कम्युनिटी ने 4200 टाइम्स इसका फोर किया गया है। मतलब अभी उसके लाइव प्रोजेक्ट्स ओपन पायलट के अंदर 4200, ओपन पायलट के ऊपर बेस 4200 सेल्फ ड्राइविंग कार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो कम्युनिटी कितना बड़ा होगा, थाउजेंड्स ऑफ कंट्रीब्यूटर्स आर वर्किंग ऑन दैट कम्युनिटी, यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ देम। दैट्स ओपन पायलट, ऑलराइट। तो ये हो गया जॉर्ज हॉर्ट्स के बारे में, ओपन पायलट प्रोजेक्ट के बारे में, और कम्युनिटी, लिनक्स कम्युनिटी किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड कर रही है उसके बारे में। नेक्स्ट, अभी हम लोग देखते हैं कि देर इज अ डायलेमा इन टू द
into the traditional auto car makers. When I say dilemma into the traditional automobile manufacturer, that means everyone was making money, okay? Ford was making money, Nissan was making money, Hyundai was making money, Kia was making money, GM Motors was making money, Chevrolet was making money, Volkswagen, everyone, just name it, like Renault, Mitsubishi, everyone was making money. But then what happened? Then this happened. And what is that? That is Tesla. Then Tesla happened. Tesla ne ye jo traditional automobile manufacturer jo hai, traditional automobile industry jo hai, इसको ही पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज कर दिया. अभी रिवोल्यूशनाइज करना बहुत छोटा वर्ड है टेस्ला ने जो किया है. वो रिवोल्यूशनाइज बस नहीं कर दिया, उसने पूरी डेफिनेशन ही कार की या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पूरी तरह से बदल दी, डेफिनेशन ही. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग पहले जो कार बायर्स है वो पहले देखते थे कि इंजन का साइज क्या है, उससे हम लोग फैसिनेट होते थे. इंजन का साइज क्या है, क्यूबिक सिलेंडर सीसी कितना है, उसका एचपी हॉर्स पावर कितना है, उसका टॉर्क न्यूटन मीटर्स कितना है, फ्यूल कंजम्पशन कितना है, ये सब चीज़ों से हम लोग फैसिनेट होते थे. ये चीज़ें हम लोगों के मन में आती थी जो चीज़ों का यूज़ करके हम लोग कार खरीदते थे. लेकिन जब से टेस्ला आया, जिसको मैं टेस्ला अप्रोच बोलता हूँ, जब से ये टेस्ला मॉडल आया, तब से बायर्स का ये परचेसिंग जो चीज़ें हैं वो बदल गई. वो किस तरह से बदल गई? अभी हम लोग देखते हैं कनेक्टिविटी है क्या नहीं कार के अंदर. अभी हम लोग देखते हैं इन्फोटेनमेंट सिस्टम, अभी देखते हैं हम लोग कि वॉइस कमांड कंट्रोल्स, अभी हम लोग देखते हैं कि जेस्चर कंट्रोल उसके अंदर है कि नहीं, उसके बाद उसका कनेक्टिविटी. बेसिकली हम लोग इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, द स्मार्ट कार के ऊपर. तो ये हो गया स्मार्ट कार का रिवॉल्यूशन जो टेस्ला ने लाया, जिसको टेस्ला अप्रोच बोला जाता है. अभी ये जो टेस्ला अप्रोच हम लोग लेके आए, टेस्ला जो लेके आया टेस्ला अप्रोच, इसकी वजह से काफ़ी सिलिकॉन वैली जो बिग टेक कंपनीज है, लाइक अमेजोन, गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड ऑल, जिसको बिग टेक कंपनीज बोला जाता है सिलिकॉन वैली की, ये सिलिकॉन वैली कंपनीज को इसके अंदर काफ़ी सारा पोटेंशियल दिखा इस मार्केट के अंदर, ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कनेक्टिविटी है, इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम्स है, इसके अंदर वॉइस कमांड्स है, इसके अंदर जेस्चर कंट्रोल्स है. बेसिकली कनेक्टिविटी एंड बेसिकली द स्मार्ट कार्स, इसको काफ़ी ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी इसके अंदर दिखी. ये अपॉर्चुनिटी दिखने के बाद इन लोगों ने फिर पूरा डिकेड, जो लास्ट डिकेड गया, इन सब बिग टेक सिलिकॉन वैली कंपनीज ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया. 10 सालों में इन्होंने स्मार्ट पीपल हायर किए, 10 सालों में इन लोगों ने काफ़ी जो ये ऑटोनॉमस व्हीकल्स डेवलप करने वाले कंपनीज को खरीदा, और ये खरीद के 10 साल का बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया. और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये क्या है? ये है एप्पल कार, राइट? नाउ मेनी ऑफ यू आर्ग्यू बाय सेइंग कि एप्पल का कोई कार वगैरह नहीं है, ये सब रूमर्स है. नहीं, ये रूमर्स नहीं है. एप्पल इज मेकिंग अ कार, ओके? और अभी वो रिसेंटली कार बनाना उसने शुरू किया, ऐसा नहीं है. जब स्टीव जॉब्स था तब से एप्पल ट्राई कर रहा है एक कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में उतरने का, खुद की ऑटोनॉमस कार व्हीकल, द सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने का तब से ट्राई कर रहा है. लेकिन अभी वहां पे वो सक्सीड होने की शुरुआत कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबली वो पूरी तरह से एप्पल मार्केट डिसरप्ट कर देगा, और एप्पल विल बी द वन ऑफ द बेस्ट कार मैन्युफैक्चरर बन जाएगा, ये मैं मानता हूं. क्यों? उसके पीछे रीजन है. फॉर एग्जांपल, सबसे मेन रीजन है उनका M1 चिप, जो चिप आर्म चिप्स, उसके अंदर नॉर्म आर्म चिप्स लगेंगे. पावर सेविंग करना पड़ेगा तो आर्म चिप्स लगेंगे. आप वहां पे x86 वगैरह इंटेल वाले AMD वाले चिप्स नहीं यूज कर पाओगे, आपको आर्म चिप्स बनाना पड़ेगा. तो वो आर्किटेक्चर के ऊपर आपका कंट्रोल चाहिए, तो उसके लिए एप्पल ने खुद का चिप बनाया जो है M1, जो अभी उनके आई वॉच में है, उनके वॉच में है, उनके आईफोन में है, उनके मैक में है, टीवी में है, एप्पल टीवी जिसको बोला जाता है, उन सब में ये चिप यूज़ किया जा रहा है. और उसने उसका मेटल प्रूफ कर दिया है. मतलब नॉर्मल सर्वर्स तो छोड़ ही दो, आप जो हाई एंड सर्वर्स है जिसको 40-50 लाख में मैक प्रोज आता है, उसके अंदर भी M1 चिप्स आने वाला जो आर्म बेस्ड है, उसने अपना मेटल प्रूव कर दिया. सो M1 चिप, द आर्किटेक्चर, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, उन्होंने वो खुद का डेवलपमेंट कर दिया है. और नॉट ओनली दे डेवलप्ड, दे सक्सीडेड. M1 चिप ने अपना मेटल प्रूव कर दिया, दैट इज M1, राइट? M1 चिप्स, द आर्किटेक्चर. उसके बाद द माइटी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, दे हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेशली फॉर द IoT डिवाइसेज लाइक वॉच, फोन,
और इवन आपका ये टीवी वगैरह ये सब चीज़ों का. सो दे हैव एक्सटेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट टीम विद देम विच दे आर वर्किंग ऑन. iOS बनाएंगे वो लोग, कार के लिए iOS बनाएंगे. उसके बाद है एप्पल का इकोसिस्टम, नो वन कैन डिफीट देम इन दैट इकोसिस्टम. इसका मतलब क्या, एप्पल स्टोर. आप और मैं, हम लोग अभी बनाते हैं आईफोन के लिए एप्स, हम लोग आगे जाके कार्स के लिए, एप्पल कार्स के लिए भी हम लोग एप्स बनाएंगे. इजंट दैट जस्ट फैसिनेटिंग. और इमेजिन कीजिए एप्पल जाना जाता है उसके इकोसिस्टम के लिए, मतलब आपका वॉच, आपका आईफोन, आपका मैक, आपका लैपटॉप, आपका टीवी और आपकी कार, ये सब तीनों, ये चारों सिंक में काम करेंगे. दैट्स वॉट एप्पल इज गोना डू एंड मोस्ट लाइकली दे विल सक्सीड. ऑन टॉप ऑफ दैट दे हैव अ वेरी गुड टीम, आई मीन दे आर वेरी गुड इन टू द बैटरी एज वेल, क्योंकि ये सब कार इलेक्ट्रीफाइड कार्स रहेंगे, इलेक्ट्रिक कार्स रहेंगे. ये नॉर्मल कार्स तो होंगे नहीं, मैकेनिकल कार्स, ये इलेक्ट्रिक कार्स रहेंगे. तो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए जो बैटरीज लगेंगी, वो बैटरीज में भी उनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है. कैसे, आईफोन, मैक, अगर आप देखोगे ये दोनों चीज़ों में जो बैटरीज यूज़ की जाती है, ये खुद डिज़ाइन की हुई है एप्पल ने, तो उनको बैटरीज में भी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है. तो मतलब दे गॉट एवरीथिंग, दे गॉट अ हार्डवेयर, दे गॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम, दे गॉट द एप्लीकेशंस, एंड दे गॉट द एंटायर इकोसिस्टम एंड मेनली द ब्रांड. सो एप्पल विल डिस्ट्रॉय द एंटायर ऑटोमोबाइल मार्केट. आप एग्जाम्पल ले सकते हो वॉच का. स्विस मैन्युफैक्चरर जिन्होंने सेंचुरीज ली है उसमें महारत हासिल करने के लिए, अकेला एप्पल पूरे स्विस में जितने कंपनीज है उससे 5 गुना ज्यादा वॉच बेचता है, और एक सॉफ्टवेयर कंपनी है. इमेजिन सेम विल हैपन विद द एप्पल कार एंड दे विल लाइकली सक्सीड एंड द एंटायर मार्केट विल बी डोमिनेटेड बाय द एप्पल कार्स. आई एम श्योर अबाउट इट. अगर एप्पल सक्सीड होगा तो और एक कंपनी सक्सीड होगी, और वो है ये है गूगल. गूगल ने जो कंपनी टेक ओवर की थी वाइमो, तो गूगल की कंपनी है ये वाइमो, जिसके पीछे गूगल खड़ा है और गूगल डेवलप कर रहा है. और बाय द वे ये प्रोटोटाइप नहीं है, ये कार अभी सड़कों के ऊपर वहाँ पे US में चल रही है. दे आर एक्चुअली टेस्टिंग अ लॉट ऑन दिस कार्स. ऑलराइट, द कार इज सेल्फ ड्राइविंग. तो ये कार प्रोटोटाइप्स नहीं है कि कंसेप्ट कार है, कभी आएगा ही नहीं मार्केट में, ऐसा नहीं है. दीज कार्स एग्जिस्ट एंड दे आर रियली रनिंग ऑन द स्ट्रीट्स ये कार्स. तो गूगल लाइकली सक्सीड करेगा. क्यों गूगल सक्सीड करेगा, सबसे पहले गूगल ने अभी रिसेंटली, आपने सुना होगा लास्ट वीक ओनली, टेंसर चिप लॉन्च किया. टेंसर खुद का चिप, जैसे आर्म प्रोसेसर बेस्ड चिप, ऑब्वियसली आर्म आर्किटेक्चर बेस्ट. उसके बाद एप्पल ने जैसे M1 किया, उसी हिसाब से इन्होंने टेंसर चिप लॉन्च किया, खुद का CPU लॉन्च किया, जो उनके पिक्सल फोन थ्रू लॉन्च करेंगे. उसके बाद बाकी डिवाइसेस में भी आना शुरू हो जाएगा. मतलब आर्किटेक्चर दे हैव टोटल कंट्रोल ना, सो दे हैव द मेन थिंग विच इज द CPU. नेक्स्ट, द माइटी एंड्रॉयड. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपने लास्ट 3 या 4 सालों में कोई भी कार खरीदी है, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड है ही. एंड्रॉयड ऑटो वो उसके साथ ही आएगा. आप मिनिमम वो रिक्वायरमेंट एक्सपेक्ट करते हो. लास्ट के 2 या 3 सालों में अगर कार आपने खरीदी है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड ऑटो आपको मिलेगा ही मिलेगा. मतलब एंड्रॉयड रूल्स दी ऑटोमोबाइल मार्केट इन टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम्स. जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम जहाँ पे आप सब नेविगेशन वगैरह सेट करते हो, गाने लगाते हो, जिसको बोला जाता है इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वहाँ पे अभी आपके कार के अंदर एंड्रॉयड ऑलरेडी है. मतलब एक्सटेंसिव यूज एंड्रॉयड का अभी भी हो रहा है वहाँ पे. तो एंड्रॉयड नोज, गूगल नोज कि व्हीकल्स के अंदर से डेटा कैसे खींचना है, इन व्हीकल डेटा किस तरह से काम करता है, कार्स किस तरह से काम करती है, वेंडर्स के साथ किस तरह से डील करना है, सर्टिफिकेशन किस तरह से करना है, ये सब ऑलरेडी गूगल के पास ऑलरेडी है द माइटी एंड्रॉयड. एंड अगेन, हम लोग जिस तरह से इकोसिस्टम, हम लोग जिस तरह से एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं, उसी तरह से हम लोग गूगल के कार के लिए भी ऐप्स बनाना हम लोग शुरू करेंगे. सो गूगल विल लाइकली सक्सीड. और एक चीज़ इनके पास है जो बाकी किसी के पास नहीं है, इवन एप्पल के पास भी वो नहीं है, और वो है गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट का इनकॉर्पोरेशन. अल्फाबेट का मेन मोटिव आप देखोगे लास्ट 10-15 ईयर से सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किसके ऊपर किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, रिसर्च किया है, वो है AI, ML और रोबोटिक्स इसके ऊपर, और महारत हासिल की है. गूगल इज द बेस्ट, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन इज द बेस्ट इन टू द रोबोटिक्स, AI एंड ML. तो वो सब इंफॉर्मेशन, वो सब रिसर्च गूगल को मिलेगी, गूगल से वाइमो प्रोजेक्ट के अंदर जाएगी, और गूगल भी लाइकली सक्सीड होगा और मार्केट पूरी तरह से डिसरप्ट किया जाएगा. तो एप्पल सक्सीड होगा, गूगल सक्सीड होगा.
अगर जब हम लोग क्लाउड के बारे में बात करते हैं, गूगल सबसे गूगल के बारे में और एक चीज अच्छी है कि वो क्लाउड है, क्योंकि ये सब कार्स जो रहेंगी वाइमो एप्पल कार्स ये सब क्लाउड से कनेक्टेड रहेंगी। गूगल ऑलरेडी पब्लिक क्लाउड में डोमिनेंट है ही। जब हम लोग क्लाउड के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा प्लेयर कौन है क्लाउड में, पब्लिक प्रोवाइडर कौन है, वो है अमेजॉन। तो अमेजॉन पीछे कैसे रह सकता है? तो अमेजॉन ऑलरेडी हैज एग्जिस्टेंस और अमेजॉन ने ये कार लॉन्च की है। तो Amazon सेफ प्ले कर रहा है यहाँ पे। Amazon इज नॉट लुकिंग टू सेल द कार्स, जैसे जिस तरह से Apple और Waymo प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उस तरह से नहीं। Apple इज प्लेइंग वेरी सेफ एंड वेरी स्मार्ट हियर। कैसे? तो ये जो कार रहेगी ये टैक्सी है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस करने वाला है, मतलब टैक्सीज, ऑटोनोमस व्हीकल्स, टैक्सीज, ट्रेन्स, मेट्रो स्टेशन वगैरह, इसके ऊपर फोकस करने वाला है। और वो सर्विसेज बेचने वाले हैं। वो किस तरह से काम करेंगे? ये कार के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगी हुई है, वो अगेन लिनक्स है। दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट? सो लिनक्स है। तो ये लिनक्स जो है, और मोर प्रिसाइजली क्यूएनएक्स बोल के लिनक्स आता है एम्बेडेड में, वो क्यूएनएक्स लिनक्स यहाँ पे यूज किया जा रहा है। वो क्यूएनएक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जो सेंसर्स लगे रहेंगे वो डिटेक्ट करेंगे पूरा इन व्हीकल डेटा। पूरा इन व्हीकल डेटा निकाला जाएगा, वो डेटा फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स जो है क्लाउड, मतलब AWS के अंदर जो MI और ML एप्लीकेशंस रन होते रहेंगे उनको फीड करेगा। MI और ML वो पूरे तरह से डेटा को एनालाइज करेंगे, प्रोसेस करेंगे डेटा को, डेटा साइंस करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे, और उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करके उसके हिसाब से कार को कमांड दिया जाएगा और कार उस तरह से बिहेव करेगी। तो आपको एग्जांपल देता हूँ, हाउ इज द इंडस्ट्रीज गोना चेंज ऑल टुगेदर इन नेक्स्ट 10 और 15 ईयर्स। ये जो कार रहेगी, ठीक है, ये कार फॉर एग्जाम्पल फोर्ड ने अमेजोन की ये टेक्नोलॉजी खरीद ली है, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, ओके। तो उस कार के अंदर ये खुद की अमेजोन ने दी हुई क्यूएनएक्स, जो अमेजोन खुद डेवलप नहीं कर रहा है, क्यूएनएक्स ब्लैकबेरी की अलग कंपनी है, ब्लैकबेरी ओन करता है क्यूएनएक्स को। तो ये क्यूएनएक्स उसके फोर्ड के अंदर जाएगी। ये क्यूएनएक्स क्या करेगा फिर? फोर्ड के कार के पूरा इन व्हीकल डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम ये लिनक्स पूरी तरह से कैप्चर करेगा। ये डेटा को पूरी तरह से फीड किया जाएगा AWS AI ML एप्लीकेशन के अंदर। वो डिटेक्ट करेगा कि कार का आपका जो एयर फिल्टर है वो डैमेज हो चुका है। वो डैमेज होने के बाद सबसे पहले आपको ईमेल करेगा, ये क्यूएनएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ईमेल करेगी, इमरजेंसी ईमेल, आपके फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन भेजेगी, आपके स्क्रीन जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम रहेगी कार की उसके ऊपर नोटिफिकेशन भेजेगी। फिर वो डेटा पूरा सेंड किया जाएगा MIML को। MIML फिर ये ऐसे थाउजेंड्स करोड़ ऑफ कार जो फोर्ड के पूरे दुनिया में घूम रही है उन सबसे डेटा निकालेगा और एक रेशियो बनाएगा कि कितने एयर फिल्टर्स, कितने कितने डिस्टेंस, कितने कितने किलोमीटर्स के बाद, कितने कितने फ्यूल कंजम्पशन के बाद, कितने कितने टाइम के बाद खराब होते जा रहे हैं, ये उनका रेशियो बनाएगा और वो फोर्ड को देगा। फोर्ड तो हैप्पी हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि घर बैठे कंपनी में उनके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर उनको पता चल जाएगा व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ अवर एयर फिल्टर्स। ये मैंने बस एग्जाम्पल दिया, रूट कॉज तक पहुँच पाएंगे कि इसी मॉडल के साथ के इसी एयर फिल्टर के साथ इतने इतने डिस्टेंस के बाद ही प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मतलब ये और सो एंड सो वेंडर एयर फिल्टर्स आर बगी, वी हैव टू फिक्स इट। सो दे विल स्टार्ट एनालाइजिंग इट एंड दे विल रीच टू द रूट कॉज। दैट्स व्हाट अमेज़न इज ट्राइंग टू डू, दैट्स व्हाट अमेज़न इज ट्राइंग टू डू। एंड व्हेन यू लुक एट दिस कार, ओके, ये जो कार आपके सामने है, इस कार के अंदर क्या है? आप कार मत देखो इसको, इसको देखते समय आप इसको मोबाइल देखो। क्यों मोबाइल देखो इसको? देखो इस कार के अंदर जो जो है वही आपके मोबाइल में भी है, बस मोबाइल का साइज छोटा है और ये कार का साइज बड़ा है। वो मैंने फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मेरा स्टेटमेंट, इस कार के अंदर वो सब कुछ है जो आपके मोबाइल में है। फॉर एग्जांपल सबसे मेन चीज़ है बैटरी, जो आपके मोबाइल में है इसके अंदर भी है। आपके पास कैमराज है आपके मोबाइल में, ये कार में भी एक्सटेंसिव कैमराज यूज किए जाएंगे, ठीक है, हाई सेंसिटिविटी कैमराज है। आपके मोबाइल के अंदर सेंसर्स है, इसके अंदर सेंसर्स है। आपके मोबाइल के अंदर एंटेनाज वगैरह, रडार लिडार वगैरह यूज किया जाता है, इसके अंदर भी रडार और लिडार यूज किया जा रहा है इसके अंदर भी। तो मतलब आपके कार के ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर है एम्बेडेड, इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड है। आपके मोबाइल का सबसे मेन फीचर है टच स्क्रीन, वो भी इसके अंदर है। तो मतलब आप इस तरह से इसको इमेजिन करो कि आपका मोबाइल को चार पहिए बिठाए गए हैं, फोर व्हील्स, दैट बिकम्स योर स्मार्ट कार। तो इतना ड्रास्टिकली इंडस्ट्री चेंज हो रहा है। तो अगर ये आप जैसे बंदे, मेरे जैसे बंदे इसको हम लोग भाप रहे हैं कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग, तो ऑब्वियसली जो बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो भी इसी तरह से ये चीजें देख रही है कि ये तो कार है नहीं, ये तो बड़ा मोबाइल है, उसी हिसाब से देख रहे लोग इसके कार को। तो इसीलिए एप्पल उसमें गया, क्योंकि एप्पल इज अ मोबाइल मैन्युफैक्चरर। गूगल गया,
गूगल इज ऑटोमोबाइल मोबाइल मैन्युफैक्चरर, तो इसलिए वो कार के पीछे भाग रही, बिकॉज दैट इज अ बिगर मोबाइल नाउ. ऑल राइट, सिमिलरली ओके, अगर ये दोनों चीजें कर रहे हैं तो बाकी भी मानो मोबाइल मैन्युफैक्चरर से आएंगे उसमें. उसी हिसाब से उसके अंदर आया है सोनी. ये सोनी की कार है जिसको बोला जाता है सोनी विजन एस. सोनी का विजन एस प्रोजेक्ट है ये है. फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ये प्रोटोटाइप नहीं है, ये कार एक्चुअली रोड पे रनिंग है, टेस्टिंग के फेज में, जो फाइनल टेस्टिंग फेज बोला जाता है उस फेज में है. लेकिन सोनी जो है विजन एस प्रोजेक्ट, ये कार लॉन्च करने वाला नहीं है. सोनी का विजन अलग है. सोनी इज ट्राइंग टू शोकेस टू द वर्ल्ड थ्रू द विजन एस कि सोनी क्या कर सकता है, उसके कंपोनेंट्स क्या कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोनी कैमराज में है, तो ये सोनी के जो हाई सेंसिटिव कैमराज जो डेवलप किए जाएंगे वो ये कार में यूज किए जाएंगे. फिर वो सोनी उसी हिसाब से शोकेस करना चाह रहा है दुनिया को. उसमें रडार है, उसमें सेंसर्स है, उसमें बैटरी है, तो सोनी ये सब चीज़ें ऑलरेडी बनाता है. तो ये सब चीज़ें शोकेस करने के लिए ये कार का प्रोजेक्ट बनाया गया है. तो सोनी बेसिकली कार बेचना नहीं चाह रहा है, सोनी बेसिकली कंपोनेंट्स बेचना चाह रहा है. मतलब अगर आपकी कार नॉर्मल कार है, ट्रेडिशनल कार है, अगर आप चाहते हैं उसको स्मार्ट कार में कन्वर्ट करना, तो आप ये सोनी का पैकेज ले सकते हो. काइंड ऑफ ए DIY किट जिसमें आपको ये सेंसर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कैमरा, ये सब चीज़ें आपको दी जाएंगी. और ये देने के बाद सोनी आपकी कार नॉर्मल ट्रेडिशनल कार सोनी स्मार्ट कार में कन्वर्ट कर देगा. दैट्स हाउ सोनी इज लुकिंग. सो जैसे हम लोग PC असेंबल करते हैं ना, उस हिसाब से CPU कहीं और से आ रहा है, मेमोरी कहीं और कंपनी से आ रही है, फिर आपका मदरबोर्ड किसी और कंपनी से आ रहा है, और आप फिर असेंबल करते हो और खुद का PC बनाते हो. सिमिलरली दे आर ट्राइंग टू डू इट, दैट सोनी विजन एस. और ये फाइनल टेस्टिंग फेज में है. तो सोनी कर सकता है, तो और एक कंपनी है बहुत बड़ी जो है ये हुआई ने भी अपना कार लॉन्च किया है जिसको बोला जाता है SF5. ऑब्वियसली इंडिया में वो बैन है, हुआई बैन है, तो वो यहाँ पे आके बिजनेस नहीं कर सकते, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग विच दिस करंट गवर्नमेंट हैज़ डन. मेरा मराठी में एक वीडियो है हुआई के ऊपर, द हुआई बैन बोल के, वो आप अगर मराठी समझते तो वो वीडियो ज़रूर देखिए कि आपको समझ में आएगा कि हुआई को क्यों बैन किया जा रहा है. उसी हिसाब से US में भी उसको बैन किया जा रहा है, और मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज भी उसको बैन कर रही है. तो ये कार अपने यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन ये कार शोरूम्स में अवेलेबल है, और एक्चुअली ये स्मार्ट कार है, ये स्मार्ट व्हीकल है, ये ऑटोनॉमस व्हीकल है, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार है. वो किस हद तक सेल्फ ड्राइविंग कर सकती है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, उसमें लेवल्स आते हैं वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, लेकिन दिस इज वॉट इज हैपनिंग. तो हम लोग फिर अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि वॉट इज द डायलेमा ऑफ अ ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स. तो डायलेमा वो इस तरह से, देखिए कि आईफोन जो है, आईफोन कौन बनाता है? हम लोग सब बोलेंगे एप्पल बनाता है. नहीं, एप्पल फोन मैन्युफैक्चरर नहीं करता है, एप्पल फोन डिज़ाइन करता है. जो ब्रेन है उसका डिज़ाइनिंग है, उसके कॉपीराइट्स है, उसका रिसर्च है, उसके जो पेटेंट्स है, उसका जो पूरा डिज़ाइनिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने से लेकर हार्डवेयर तक का, ये पूरा डिज़ाइनिंग ये जो है ये एप्पल करता है. लेकिन मैन्युफैक्चरर कौन है? मैन्युफैक्चरिंग है साउथ कोरियन कंपनी कॉल्ड एज फॉक्सकॉन. वो फॉक्सकॉन उसका मैन्युफैक्चरर है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हम लोगों को आईफोन पता है, एप्पल पता है, लेकिन हम लोगों को फॉक्सकॉन कौन ये पता ही नहीं है. तो मतलब मतलब अभी जो एप्पल वगैरह है, ये सब कंपनीज जो है वो अभी ट्राई कर रही है इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करने का. क्यों ट्राई कर रही है? क्योंकि देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ना, ये क्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट है. आई एम सेइंग बहुत ही डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि बहुत ही कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है ये. उसके ऊपर एक कार के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट जोड़े जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ वेंडर्स आते हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, ये वेंडर्स आते हैं. आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हर कंट्री में बनाना पड़ेगा. हर कंट्री के लेबर लॉज अलग है. फिर उसके बाद लेबर लॉज आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आएंगे, हर कंट्री के लॉज अलग से आएंगे, हर कंट्रीज का टैक्स का, कस्टम का, हर चीज़ अलग अलग है. और उसके बाद बस कार लॉन्च करके आपको नहीं चलेगा, आपको मेंटेनेंस के लिए फिर आपको मेंटेनेंस शॉप्स बनाने पड़ेंगे. इट्स नॉट लाइक एक शोरूम आपने स्टार्ट किया, एक छोटा सा रूम दे दिया मेंटेनेंस के लिए जहाँ पे आप लैपटॉप ला के रिपेयर कर पाओगे, ऐसा नहीं करेगा. आपको पूरी फैसिलिटी खड़ी करनी पड़ेगी, विच इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. और उसके ऊपर से जो बायर रहता है, कार खरीदने वाला बायर बहुत कॉस्ट सेंसिटिव रहता है. आईफोन खरीदने वाला कॉस्ट सेंसिटिव इतना नहीं है, लेकिन कार खरीदने वाला बहुत कॉस्ट सेंसिटिव रहता है. तो इसके लिए इसको क्रैक करना है ऑटोमोबाइल मार्केट को, ये बहुत ही डिफिकल्ट है. तो ऑब्वियसली ये जो एप्पल, गूगल, बाकी सब कंपनीज है, स्पेसिफिकली एप्पल,
कम से कम 4 या 5 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को अप्रोच कर चुका है और हर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने एप्पल की ऑफर डिक्लाइन कर दी है। क्यों डिक्लाइन कर दी है? देखो, जैसे मैंने पहले ही बोला, आईफोन एप्पल बनाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर कौन करता है हम लोगों को नहीं पता। सिमिलर यहाँ पे होगा, एप्पल पूरी तरह से कैमरा से लेके सेंसर से लेके उसके पूरे 5G नेटवर्क से लेके उसके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब पूरा जो सोल है वो कार का, वो एप्पल बनाएगा। और बस बॉडी बनाएगा हुंडई या किया या फिर टाटा, वॉक्सवैगन, मर्सिडीज, वो बस बॉडी बनाना शुरू करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट हो जाएंगे। नाम तो आएगा एप्पल का, लेकिन जो सोल है वो एप्पल बना रहा है, बॉडी ये लोग बना रहे हैं। तो जैसे फॉक्सकॉन के साथ, किसी को नहीं पता कि फॉक्सकॉन आईफोन बनाता है, सबको पता है एप्पल आईफोन बनाता है, वही चीज़ इनकी हो जाएगी। मतलब इनको कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, फिर ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया। अभी देखो, आप मेरे वर्ड्स भी ट्रस्ट मत करो, लेट मी टेल यू द ऑफिशियल वर्ड्स, जिसको हम लोग स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं ना, कि कुछ कुछ ऑफिसर जो है, जो हुंडई के अंदर काम करने वाले, किया के अंदर काम करने वाले, निसान के अंदर काम करने वाले, सोनी के अंदर काम करने वाले, वो स्लिप ऑफ टंग करके कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि दीज आर द स्टेटमेंट्स केम फ्रॉम द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ओके। और जो कि स्टॉक होल्डर्स है उनके, उन्होंने बोले हुए ये स्टेटमेंट्स है। मैं डायरेक्टली रीड करता हूँ, डोंट ट्रस्ट माई वर्ड्स, यू ट्रस्ट दीज बिग पीपल जो है बंदे, ये इनके आप वर्ड्स देखो। अब ये सबसे पहले आया था हुंडई एंड किया से, जब हुंडई और किया को एप्पल ने अप्रोच किया था कि लेट्स हैव अ टाई अप, लेट्स हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, यू विल मैन्युफैक्चर अ कार फॉर अस, वी विल प्रोवाइड ऑल द टेक्नोलॉजी, लेट्स कन्वर्ट यूर सेल्फ इन टू द स्मार्ट कार्स, और हम लोग दुनिया जीत सकते हैं इसके ऊपर। ये जब आया था तो हुंडई और किया ने क्या रिस्पॉन्ड किया, देखिए। अ कॉपरेशन, मतलब एप्पल का कॉपरेशन हुंडई और किया के साथ, अ कॉपरेशन में इनिशियली हेल्प रेज द ब्रांड इमेज ऑफ हुंडई और किया, बट इन द मिड और लॉन्ग रन वी विल जस्ट प्रोवाइड शेल्स फॉर द कार्स एंड एप्पल वुड डू द ब्रेन्स, हुंडई वुड बी मोर देन जस्ट अ फॉक्सकॉन। दैट्स द डायलेमा, ओके, टू बी और नॉट टू बी, दैट्स हुंडई एंड किया ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। अभी निसान के ऑफिशियल स्टेटमेंट देखिए, करंट व्हीकल्स आर लाइक फीचर फोन्स फ्रॉम द 2000s, मतलब लास्ट डिकेड जो था 2000 डिकेड, उसमें करंट व्हीकल्स आर लाइक फीचर फोन्स फ्रॉम द 2000s, स्मार्ट व्हीकल एरा इज कमिंग सून, एप्लीकेशन विल बी अ सेलिंग पॉइंट ऑफ अ स्मार्ट व्हीकल्स द सेम एज स्मार्टफोन्स। ये निसान का स्टेटमेंट है। तो इनके साथ जाए या न जाए, तो निसान के मन में डायलेमा है, एप्पल के साथ जाए या न जाए तो भी प्रॉब्लम, नहीं जाए तो भी प्रॉब्लम, जाएंगे तो एब्सोल्यूट हो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो ताला लगाना पड़ेगा। दैट्स हाउ इट इज गोइंग आफ्टर। सो टू बी और नॉट टू बी इज अ डायलेमा इज गोइंग ऑन टू द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ऑलराइट। और ये जो डायलेमा टॉपिक है, अभी आपको समझ गया होगा, मैं एंड करता हूँ। सोनी के जो CEO है, जो कि अगेन विजनरी सोनी CEO केनिचिरो योशिडा, इनका एक स्टेटमेंट है जो आपको, विच मेक्स एब्सोल्युटली मेक्स सेंस, ओके। मोबाइल हैज बीन द मेगा ट्रेंड ऑफ द लास्ट डिकेड, आई बिलीव द नेक्स्ट मेगा ट्रेंड विल बी मोबिलिटी। तो दैट्स हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, एंड दैट इज द रीजन देर इज अ ह्यूज डायलेमा इन टू द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। दैट्स हाउ टूडे वी आर इन द इंडस्ट्री, इन द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्री, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, वट यू सी ऑन योर स्क्रीन, दैट इज मर्सिडीज बेंज का हाइपर स्क्रीन टेक्नोलॉजी बोल के इन्होंने लॉन्च किया है। और once again, this is not a concept car, this car exists, this car is on the roads, और ये car reviews के लिए दिया जा रहा है, जो reviews करते हैं उनको दिया जा रहा है कि आप cars के reviews करो। आप क्या देख रहे हो screen के ऊपर, screen के ऊपर 3 screen लगाए गए हैं, not one, 3 screens, all 3 screens are 4K, okay, 4K screens है, ऊपर से touch screen। तो ये 3 4K टच स्क्रीन को चलाने के लिए आपको नीचे पोटेंशियल हार्डवेयर भी देना पड़ेगा। तो मिनिमम 8 कोर, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मिनिमम 8K मर्सिडीज बेंज उसके अंदर आर्म प्रोसेसर्स डालेगा, ऑलराइट। 24GB रैम उसके अंदर इंस्टॉल रहेगी, 24GB खुद का हार्ड डिस्क रहेगा, ऑलराइट। उसके बाद जो पोर्ट्स रहते हैं, नॉर्मल डिस्प्ले पोर्ट 1.4,
देन HDMI पोर्ट, ये सब उसके अंदर, USB, Wi-Fi, Bluetooth, ये सब उसके अंदर यूज़ किया जाएगा. दैट्स हाउ इट इज चेंजिंग. ऑल राइट, तो इसका मतलब क्या, आप इसको कार की तरह से मत देखो. एक्चुअली यू शुड कंसिडर मर्सिडीज कार लाइक दिस नाउ, कि एक नॉर्मल कंप्यूटर है, जैसे हम लोग घर पे कंप्यूटर मिलता है तो उसमें उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप लोग को रैम मिलता है 16GB, 20GB, 24GB, उतना ही रैम इसके अंदर है. हमारे पास एक स्क्रीन, अभी हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो मिनिमम 2 स्क्रीन हर कोई लगा के बैठा है. मैं खुद 3 स्क्रीन 49 इंच स्क्रीन, 2 स्क्रीन लगा के बैठा हूँ. तो मतलब क्या, 3 स्क्रीन आपके लैपटॉप के ऊपर लगे हुए रहते हैं नॉर्मली. 16 to 24 GB रैम रहता है उसके अंदर, अच्छा CPU रहता है, USB पोर्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं. तो यू शुड कंसिडर इट लाइक अ कंप्यूटर कनेक्टेड विद अ 3 स्क्रीन्स. मतलब एवरी डे यू गोना सिट ऑन अ कंप्यूटर एंड यू गोना ड्राइव इट. तो अगर इसके अंदर कंप्यूटर है, लगा हुआ है, तो अगर ये नॉर्मल कंप्यूटर्स हैक हो सकते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लगी हुई है, उसके अंदर बाकी सब चीज़ें लगी. अगर नॉर्मल कंप्यूटर्स हैक हो सकते हैं तो ये भी हैक होगा. तो ये स्मार्ट पीपल है, ये इसको हैक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे. तो हैक किस तरह से हो सकते हैं, तो हैक इस तरह से हो सकते हैं कि इमेजिन कीजिए, और ये है, ये हो रहा है अभी, किस तरह से हैक किए जा सकते हैं. कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि किस तरह के लेवल के हैक्स किए जा सकते हैं. आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, इंजन ऑल ऑफ सडन रिमोटली कोई शट डाउन कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है. आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए, आपके डोर लॉक्स परमानेंटली लॉक कर दिए जा सकते हैं, तो आप सफोकेट हो जाओगे. कार का जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको हाईजैक किया जाएगा, क्योंकि कार ब्रेकिंग सिस्टम जो है, जब आप ब्रेक यूज़ करोगे, अप्लाई करोगे, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंसर को बोला जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर नीचे ECU को, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो ब्रेक के ऊपर है, उसको कमांड देगा कि यू हैव टू अप्लाई द ब्रेक्स. अगर वही हैक कर दिया तो वो काम ही नहीं करेगा. यू गेटिंग मी? इनफैक्ट वीडियोज है, ब्लॉग्स है इंटरनेट के ऊपर, आप देख सकते हो. एक बंदा ने लाइव हैक करके देखा है जीप कार का. जीप कार एक बंदा ड्राइव कर रहा है, एक ब्लूटूथ का हैक आता है ब्लीड ब्लू बोल के, लास्ट ईयर वो काफ़ी सुर्खियों में था. तो ब्लीड ब्लू का यूज़ करके ब्लूटूथ को हैक किया गया, ब्लूटूथ से ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल लिया गया जीप कार के अंदर के, और जो नेविगेशन सिस्टम है, वो यूज़र ने नेविगेशन सिस्टम एक सेट करके रखा गया डेस्टिनेशन का, वो ट्रैवल्स कर रहा था, उसको चेंज करके नेविगेशन सिस्टम के ऊपर, मतलब दिखने के लिए दिख रहा है कि यू आर गोइंग ऑन द करेक्ट डेस्टिनेशन, बट एक्चुअली वो नेविगेशन सिस्टम का डेस्टिनेशन चेंज करके 50 किलोमीटर्स कोई और ही डेस्टिनेशन पे उसको लेके गए थे. दैट इज ऑल पॉसिबल, ये सब किया जा सकता है. इनफैक्ट कोई बंदा अगर आपको पसंद नहीं करता है, अगर आप बैठे हो उबर कार में, कोई उबर कार के ऑपरेटिंग सिस्टम को टेकओवर करेगा, और टेकओवर करने के बाद वो क्या करेगा, मेक श्योर करेगा कि वो ब्रिज से जंप कर दे उबर कार. ये पॉसिबल है. मतलब कोई कंप्यूटर हैक होता है तो मैक्स टू मैक्स क्या हो जाता है, प्रोडक्शन सिस्टम हैम्पर हो जाती है, प्रोडक्शन डाउन हो जाता है मैक्स टू मैक्स. लेकिन कोई मरता नहीं है, कार एग्जैक्टली वही करेंगे. कार विल बी यूज्ड एज अ वेपन, किसी को मारने के लिए उसको एज अ वेपन यूज किया जाएगा. इट्स दैट डेंजरस. आगे जाके कार आपके ऊपर स्पाई भी कर सकती है, आप किसके साथ थे, फिर उसके बाद आपका फ्यूल इकोनॉमी से पता चल सकता है, कितने बंदे आपके गाड़ी के साथ थे, आप कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ विजिट किया, कहाँ पे अपने हॉल्ट लिया, कौन से गाने आप सुन रहे थे, वो सब चीज़ें कार कैन स्पाई आपके ऊपर कर सकता है, वो सब चीज़ें की जा सकती हैं. तो हो गया ये सिक्योरिटी के ऊपर. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिनक्स कम्युनिटी यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड करती है, कहाँ तक लिनक्स कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से लिनक्स कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स हैं. तो लिनक्स फाउंडेशन एज यूजुअल ड्राइव कर रहा है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, उसको ड्राइव करने का काम वंस अगेन लिनक्स फाउंडेशन कर रहा है. जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से है. सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आता है ज़ेफायर आर्टोस, मतलब ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है. अब ये नॉर्मल लिनक्स तो वहाँ पे नहीं चलेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही लगेगी. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग, क्योंकि बैंग ऑन रिस्पांस होना चाहिए. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई प्रोसेस है, अगर वही प्रोसेस जो रिस्पॉन्सिबल है एयरबैग्स डिप्लॉय करने के लिए, अगर वही किल हो गई, अगर वही मेमरी को स्टार्व कर रही है, उसको मेमरी नहीं मिल रहा है, तो डिप्लॉय ही नहीं होगी एयरबैग्स आपके, क्योंकि वो प्रोसेस ठीक से काम नहीं कर रही है. तो इसके लिए वहाँ पे आर्टोस OS होगी जो बैकग्राउंड रिस्पांस देगी. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ACRN बोल के एक प्रोजेक्ट है, तो वो वहाँ पे यूज़ किया जाएगा. ACRN प्रोजेक्ट, भाई ACRN प्रोजेक्ट को वहाँ पे क्यों, मतलब ये हाइपरवाइजर प्रोजेक्ट है. तो अभी हाइपरवाइजर यहाँ पे क्या कर रहा है, तो हम लोग सर्टिफिकेशन के टाइम पे देखेंगे हम लोग ACRN प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है. नेक्स्ट है ELISA प्रोजेक्ट. सो ELISA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर प्रोजेक्ट. जो भी आप कार के अंदर डेवलपमेंट करोगे, जो भी कार के अंदर डेवलपमेंट आप करोगे, तो आप
कोई ऐप बनाया आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई, एप्लीकेशन बनाया, तो आप डायरेक्टली उसको डिप्लॉय कार के अंदर नहीं कर सकते हो अनलेस यू हैव अ सर्टिफिकेशन. वो कौन सा सर्टिफिकेशन है, दैट वी विल सी. तो अगर कोई भी लिनक्स कम्युनिटी में आके एक एप्लीकेशन डेवलप करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करते हो, कोई कंपोनेंट डेवलप करते हो, तो वो सेफ्टी सर्टिफिकेशन आपको लेने के लिए ये एलिसा प्रोजेक्ट हेल्प करता है. नेक्स्ट है AGL. AGL मतलब ऑटोमोटिव ग्रेड लिनक्स. तो ये बेसिकली फ्रेमवर्क है लिनक्स का एक. ये रियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है आपको खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने का, ऑटोमेटिव ग्रेड लिनक्स. तो ये AGL है, ये यूज़ करता है, अभी एग्जिस्टिंग है ये एज इट इज़. वो एग्जिस्टिंग है टोयोटा के कैमरी कार में यूज़ किया जाता है. वो AGL मैं आपको अभी दिखा देता हूँ. तो मेरे स्क्रीन के पीछे तो ये रास्पबेरी पाई के ऊपर मैंने रन किया हुआ प्रोजेक्ट है. ये AGL आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसका डैशबोर्ड है. तो मतलब अभी तो कोई कार कनेक्ट, रास्पबेरी पाई से कोई सेंसर कनेक्टेड नहीं है कार के, तो वो दिख नहीं रहा है, दिखा नहीं रहा है. तो बेसिकली ये क्या आपको दिखा रहा है कि कार के टायर प्रेशर्स कितना है, कार के अंदर कूलेंट कितना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है. कार की पोजीशंस क्या है, डोर सब लॉक्ड है ना, ये सब चीज़ें. फ्यूल इकोनॉमी क्या है, कौन से रोटेशन पर मिनट के ऊपर आपकी गाड़ी ड्राइव हो रही है, सब चीज़ें आपको इस यहाँ पे दिखेंगे. उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक मीडिया प्लेयर है. तो मीडिया प्लेयर मतलब अगर आप गाने सुन रहे हो, रेडियो सुन रहे हो, तो यहाँ पे वो अपीयर होगा. उसके बाद है HVAC मतलब ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए, AC टेम्परेचर, ये सब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए. अगर आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो. ब्लोअर जो फैन का स्पीड है वो बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो. आपके कार के अंदर अगर फैसिलिटीज़ है उस तरह से, तो आप सीट भी, जिसको वेंटिलेटेड सीट वगैरह बोला जाता है, हीट करने वाले सीट्स, वेंटिलेटेड सीट, तो उसका टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हो. या रियर AC, फ्रंट डैशबोर्ड का AC, ये सब चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो. आपके वाइपर्स वगैरह वो कंट्रोल कर सकते हो. उसके बाद है नेविगेशन सिस्टम. आज देख सकते हो यहाँ पे ये नेविगेशन सिस्टम है. ऑब्वियसली वो गूगल मैप्स यूज़ नहीं करते हैं, वो ओपन सोर्स वर्जन ओपन मैप्स बोल के आता है, वो यूज़ किया गया है यहाँ पे. तो बेसिकली ये फ़ोन, यस, इफ़ यू वांट टू, इफ़ आई यूज़, उसके अंदर अगर मैं सिम कार्ड डालता हूँ तो फिर डायरेक्टली मैं फ़ोन भी कर सकता हूँ कार के अंदर. तो ये डायरेक्टली ये एज इट इज़ टोयोटा कार में कुछ कस्टमाइजेशन करके टोयोटा कैमरी में यही सिस्टम यूज़ किया जा रहा है. ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है लिनक्स फाउंडेशन के अंडर, AGL ऑटोमोटिव ग्रेड लिनक्स. वो मैंने रास्पबेरी पाई 4GB रास्पबेरी पाई के ऊपर डिप्लॉय किया, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे. ऑलराइट, तो फोन डायल मैं बात कर सकता हूँ किसी के साथ वगैरह, फ़ोन के साथ सिंक कर सकता हूँ. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी शुड ऑल कंसिडर, दैट इज टास्क मैनेजर. तो टास्क मैनेजर के अंदर आप देख सकते हो दिस इज प्योर लिनक्स. अभी आई नो दिस इज नॉट रियली विजिबल, सो आई विल रीड इट फॉर यू. तो उसके अंदर आप सिस्टम डी मतलब जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सबसे पहला थ्रेड रन होता है, सबसे पहली प्रोसेस जो रन होती है वो सिस्टम डी, वो प्रोसेस है. के थ्रेड है, के स्वैप डी है, के IRQD है, मतलब पूरा लिनक्स एज इट इज़ वहाँ पे है. तो अगर आप, इफ़ यू आर फैमिलियर विद द लिनक्स, यू गोना लव दिस. ऑलराइट, एंड दिस इज़ यूज्ड इनटू द टोयोटा कार्स, दैट इज़ द कैमरी इज़ द मोर प्रिसाइसली, उसके अंदर यही आ रहा है कस्टमाइजेशन करके. सो यू कैन सी दैट हाउ मच लिनक्स इंडस्ट्रीज, लिनक्स कम्युनिटी इज वर्किंग और कंट्रीब्यूटिंग इनटू दीज प्रोजेक्ट. सो दैट वॉज AGL. Go on their website, download the operating system, install it on the Raspberry Pi. You just need an ARM processor. Raspberry Pi is the most cheapest option available. Use it, you will like it. The only thing which you need to keep in mind, you can't shut it down. Alright, makes sense. Because car ke andar lagne wala operating system hai. So whenever you will turn off your car, to automatically usko shutdown signal jayega, power off signal jayega, aur shutdown ho jayega. Otherwise, in this case, you have to just pull out the cable, the power plug, I mean. There is no other option. All right, so this was all about the Linux community and the Linux Foundation projects. Now let's talk about the certification, safety certification. So, जो सबसे ज़्यादा time spend किया जाता है Linux community से इस certification के ऊपर, ISO 26262 बोल के एक certification आता है. इसको FUSA भी बोला जाता है, मतलब functional safety certification भी इसको बोला जाता है, FUSA. All right, तो ये बहुत ही rigorously मतलब सर्टिफिकेशन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है. क्यों मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन डिप्लॉय किए जाएंगे, जो भी ऐप्स डिप्लॉय किए जाएंगे, वो कार के अंदर डिप्लॉय किए जाएंगे. तो मोबाइल है नहीं, तो कार के अंदर अगर आपने कोई बगी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो किसी की जान भी ले सकता है. सो कार गोना डील विद द पीपल लाइव्स, दैट्स द रीज़न सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मगर अगर आपने, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप किया कार के लिए, एंड्रॉयड के लिए या फिर iOS के लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप किया, अगर आप फोर्ड के पास गए, फोर्ड वो तभी एक्सेप्ट करेगा जब ये ISO 26262 के अंदर सर्टिफाइड है. तो मैं इसके लिए इसके ऊपर बात करना चाहूँगा.
तो सेफ्टी सर्टिफिकेशन किस तरह से काम करते हैं। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो कार के लिए, तो क्या होगा? आप बस ऑपरेटिंग सिस्टम सर्टिफाई नहीं करोगे ISO 26262 के अंदर, तो आप क्या सर्टिफाई करोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए जो टूल्स लगे हो सबसे पहले सर्टिफाई करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप किस तरह से बनाते हो, कंपाइलर, लिंकर, लोडर वगैरह, ये सब आपको कंपाइल करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बाइनरीज, और वो बाइनरीज आप सर्टिफाई करते हो। ऑलराइट, तो बस आप कर्नल सर्टिफाई नहीं करोगे, जो कंपाइलर्स लिंकर लोडर यूज करके आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई उसको भी आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद मतलब सबसे पहले टूल्स, अगर आपको इंटरेस्ट है इन मेकिंग योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने एक वीडियो सीरीज बनाई थी एक साल पहले, ऑलमोस्ट एक या दो साल पहले, LFS Linux फ्रॉम स्क्रैच हाउ टू मेक योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज है वो, तो आप जरूर देखिए इफ यू आर इंटरेस्टेड मेकिंग योर ओन ऑपरेटिंग। वहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की है कि दिस टूल चेन, हाउ इट वर्क्स विद द लिनक्स एंड हाउ यू मेक योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ यू आर इंटरेस्टेड डू वॉच दैट, दैट इज इन इंग्लिश। ऑल राइट, सो तो पहले सबसे पहले टूल्स, पहले कंपाइलर, लिंकर, लोडर, मतलब GCC, glibc, binutils, ये आप सर्टिफाई करोगे। उसके बाद आप सर्टिफाई करोगे एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगी ये आप फोर्ड या फिर GM मोटर्स या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को दोगे, वो लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने कार में डिप्लॉय करेंगे और उसके ऊपर अपने खुद के ऐप्स बनाएंगे, एयरबैग डिप्लॉयमेंट करने के लिए, रियर कैमरा चालू करने के लिए, मल्टीमीडिया प्लेयर चालू करने के लिए, ब्लूटूथ चालू करने के लिए, ये सब ऐप उसके ऊपर बनाएंगे, तो वो ऐप्स को भी सर्टिफाई करना पड़ेगा। तो वो ऐप्स भी सर्टिफाई करके, लेकिन ऐप सर्टिफाई करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से जो कंपाइलर, लिंकर, लोडर दिए गए हैं, वो ऐप्स कंपाइल करने के लिए फिर से उनको आपको सबसे पहले सर्टिफाई करना पड़ेगा, फिर ऐप सर्टिफाई करोगे, मतलब चार बार सर्टिफिकेशन होगा। दैट्स डिफिकल्ट इट इज, दैट्स रिगरस इट इज। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की टूल चेन, उसके बाद एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, टूल चेन सर्टिफाई की जाएगी, एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम सर्टिफाई की जाएगी, फिर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो टूल चेन दिया जाएगा ऐप्स डेवलप करने के लिए वो सर्टिफाई की जाएगी, एट द एंड अंत में आपकी एप्लीकेशन सर्टिफाई किया जाएगा। तो चार बार सर्टिफिकेशन किया जाएगा, इज दैट्स डिफिकल्ट। तो अगर आप चाहते हो तो ISO 26262 नेट पे आपको फ्री PDF डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, उसमें आप नॉर्म्स वगैरह सब पढ़ सकते हो, 1000 पेजेस का है, सब पढ़ते मत बैठिए, डायरेक्टली जाइए आप चैप्टर नंबर 12, उसमें भी पार्ट 8 बोल के आता है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर सकते हो। वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट सर्टिफाई करने के नॉर्म्स बताता है, तो मैं आपको एक रूल्स बताता हूँ कौन से रूल्स है उसके अंदर। तो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ इंटरफियर नहीं करना चाहिए, हम लोगों ने एग्जांपल ऑलरेडी देखा है। एक प्रोसेस है जो एयरबैग डिप्लॉयमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा प्रोसेस है जो मल्टीमीडिया के लिए है। भैया मल्टीमीडिया मतलब गाने सुनने के लिए, तो ये मल्टीमीडिया प्रोसेस जिसने भी लिखी है वो इतनी बगी लिखी है कि उसने पूरा रैम ले लिया सिस्टम का, तो पूरा रैम लेने की वजह से जो एयर डिप्लॉयमेंट ही नहीं हो पा रहा है, तो ये जो हो गया इंटरफेरेंस दोनों के बीच में, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सर्टिफिकेशन किया जाता है कि नो इंटरफेरेंस, दैट इज द मेन स्ट्रेटेजी। इसके लिए कंटेनर्स बीच में आएंगे, कंटेनर्स के अंदर जो चलेगा एयरबैग डिप्लॉयमेंट का जो रहेगा थ्रेड प्रोसेस, वो एक कंटेनर के अंदर रहेगी, मल्टीमीडिया जो रहेगा वो दूसरे कंटेनर में रहेगी, और जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसेसेस है लाइक अगेन एयरबैग डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, वो हाइपरवाइजर के अंदर रन किए जाएंगे। इसके लिए हमने देखा जो प्रोजेक्ट देखा था ACRN प्रोजेक्ट वो हाइपरवाइजर वाला प्रोजेक्ट था। दैट्स हाउ इट इज द सर्टिफिकेशन वर्क्स, ओके, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, ओके, बट यू कैन। एंड जस्ट टू बिफोर आई फॉरगेट, टेस्ला के लिए ये सर्टिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि टेस्ला एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाता है, मतलब उसके सेंसर से लेके व्हील से लेके इंजन से लेके बैटरी से लेके रडार लिडार से लेके उसके ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके सॉफ्टवेयर से लेके एल्गोरिदम से लेके एप्लीकेशंस तक सब कुछ एक वेंडर बनाता है, वो टेस्ला, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो मतलब उनको वहाँ पे एडवांटेज है। लेकिन आपके लिए या फिर कोई अदर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी के लिए ISO 26262 इज कंपल्सरी। ऑलराइट, ग्रेट, ऑलराइट। सो अभी नेट लेट मी कम बैक टू अवर ओरिजिनल डिस्कशन नाउ, एंड दैट इज कि अभी जो आप जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, वॉक्सवैगन, टेस्ला, टोयोटा, हुंडई, किया, ऑडी, देन ये ऑल दिस कार्स कंपनीज, ये सब आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज देखो ही मत, इनको इनको कंसिडर ही मत करो। डाउन द लाइन व्हाट आई एम टेलिंग यू इज वो कन्वर्ट हो जाएंगी सॉफ्टवेयर कंपनीज में पूरी तरह से, सो दे विल बिकम अ सॉफ्टवेयर जायंट्स नाउ, दे विल बिकम अ सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो बन जाएंगे सिलिकॉन वैली टाइप ऑफ वेंडर्स, वो बन जाएंगे।
फिर उसके उसके लिए उनको कार को स्मार्ट करने के लिए वो स्मार्ट पीपल हायर करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर किए जाएंगे, तो उनको वो कार को स्मार्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर्स हायर किए जाएंगे, कार को सिक्योरिटी देने के लिए क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन जैसा काम करना है सिक्योरिटी देने के लिए सिक्योरिटी एनालिस्ट लगेंगे तो उनको हायर किया जाएगा। तो AI ML जो ऑटोनोमस मतलब जो AI ML मशीन लर्निंग ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ऐसे लोग लगेंगे तो उनको हायर किया जाएगा। क्लाउड प्रोवाइडर्स लगेंगे, एट द एंड सब कुछ क्लाउड से नेविगेट होगा तो उनको क्लाउड में काम करने के लिए AWS वाले बंदे, ओपन शिफ्ट वाले बंदे, उनको Kubernetes वाले बंदे, ये सब बंदे लगेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब एक नया अपॉर्चुनिटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए खुल रहा है यहाँ पे, दैट इज दिस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो डोंट कंसीडर देम एज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एनी मोर, यू शुड कंसीडर देम एज द नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर कंपनीज, दैट्स हाउ इट इज। ऑलराइट, एंड एट द एंड टू मोर पॉइंट विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, वन ऑफ देम इज ACES विच आई शुड टॉक अबाउट, दैट इज ऑटोनोमस कनेक्टेड इलेक्ट्रीफाइड शेयर्ड ACES। ये ACES के अंदर 5 लेवल आते हैं, तो मैंने पहले बोला था कि अभी की जो कार्स है वो कौन से लेवल में आते हैं ये मुझे बताना पड़ेगा, दैट्स व्हाई दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। ACES ऑटोनोमस कनेक्टेड इलेक्ट्रीफाइड शेयर्ड लेवल 0 जो पुराने जमाने में था जहां पे ड्राइवर का अटेंशन इज 200% रिक्वायर्ड, कार विल नॉट डू एनी प्रोसेसिंग। अभी जो चल रहा है वो लेवल 1 चल रहा है, मतलब अगर आपने कार खरीदी है तो उसके अंदर मे बी हिल असिस्ट हो सकता है, हिल डिसेंट कंट्रोल हो सकता है, वो ऑल व्हील ड्राइव हो सकती है, अगर कार स्लिप हो रही है स्कीड हो रही है तो कार खुद डिटेक्ट कर लेगा कि कौन से व्हील को ज़्यादा टॉर्क सेंड करना है, किसको कम सेंड करना है, ऑल व्हील ड्राइव कब चालू करना है, ऑल व्हील ड्राइव से टू व्हील ड्राइव में कब स्विच करना है, एयरबैग्स डिप्लॉय कब करनी है। ये कार खुद अभी का कार जो हम लोग खरीद रहे हैं वो सब कैलकुलेशन कर सकता है, वो जो उसके अंदर जो कंप्यूटर है वो सब ये कर रहा है, दैट इज लेवल 2। सो वी आर इन टू लेवल 2 नाउ, इवन इनफैक्ट टेस्ला इज ऑल्सो इन टू लेवल 2 अप टू सम एक्सटेंट, इसको सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज बोलते हैं। So we are into the level 2. Okay, so if you are developing any application, you want to develop some application, you are into the level 2 now. उसके बाद आता है level 3. Level 3 more advanced है और Tesla almost level 3 में पहुंच चुका है. Alright, so all बाकी जो companies है level 3 के लिए try कर रही है, जो big tech companies है. So level 3 में क्या रहेगा? Example देता हूँ directly कि camera लगा रहेगा, ड्राइवर सीट के ऊपर रहेगा, कैमरा लगा हुआ रहेगा, अगर ड्राइवर ड्रोजी फील कर रहा है, उसको नींद आ रही है या उसका कंसंट्रेशन लूज हो रहा है, कैमरा वो एक्सप्रेशन से डिटेक्ट कर लेगा, जैसे ही उसको डिटेक्ट कर लेगा कि वो ये सोने वाला है या फिर एक्सीडेंट हो सकता है, अभी कार अपने आप आपका ना सुनते हुए, ड्राइवर का ना सुनते हुए साइड में कार पार्क हो जाएगी अपने आप, सच लाइक थिंग्स विल स्टार्ट। कार किसी के साथ कोलाइड हो जाते है, क्रैश हो जाए तो अपने आप लोकेशन सेंड करके सबको इन्फॉर्म कर देगी क्या है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा, मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज को इन्फॉर्म किया जाएगा, ये सब कार करेगी, दैट इज इन लेवल 3। मतलब ड्राइवर का इंटरवेंशन या फिर ड्राइवर इज नेसेसरी, लेकिन ही कैन टेक ऑफ हिज आईज फ्रॉम अ रोड फॉर अ वाइल एंड ऑकेजनली और फॉर अ वाइल, एंड ही कैन ऑल्सो टेक ऑफ हिज हैंड्स फ्रॉम अ स्टीयरिंग फॉर अ वाइल। ये लेवल 3 है जिसमें अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं, ऑलमोस्ट कर चुके हैं लेवल 3। उसके बाद आता है लेवल 4। लेवल 4 मतलब और ज़्यादा एडवांस रहेगा, जिसमें यूज जो ड्राइवर है वो ड्राइवर सीट पे रहेगा लेकिन उसका इंटरवेंशन बहुत मिनिमल रहेगा, बहुत ही मिनिमल रहेगा, कार 90% ड्राइविंग कर लेगी, सब डिसीजन जो है मतलब अगर ट्रैफिक लाइट्स ऑन हो गए तो कार को रोकना, ट्रैफिक लाइट ग्रीन होने के बाद कार को ड्राइव करना, मोड़ते समय यू नो सब जो इंडिकेटर्स वगैरह सब देना, कार के जो उस रोड के ऊपर गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया हुआ स्पीड लिमिट है उसको फॉलो करना, ये सब कार करेगी वो लेवल 4 में। अभी लेवल 5 के बारे में बात करते हैं। लेवल 5 में आप अपने मोबाइल से कार को कमांड दोगे कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, 600 किलोमीटर्स का कंसिडर कर लो, मुझे पुणे से बेंगलोर जाना है, तो बेंगलोर इज अराउंड लाइक 750 किलोमीटर्स और सो 750 किलोमीटर्स अराउंड राइट, तो 750 किलोमीटर्स में वहाँ पे लोकेशन सेट करूँगा, वहाँ से कार खुद ड्राइव करना शुरू करेगी, आप ड्राइविंग सीट पे नहीं रहोगे, आप पीछे जाके कार में सेकंड रो के ऊपर जाके सो जाओगे, कार पूरा नाइट ड्राइव करके एंड तक पहुँच जाएगी और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रैफिक विल बी हैंडल्ड बाय द कार, द टर्न्स, द रोड, द ऑब्स्टैकल्स, everything, even the fuel, everything will be managed by the car. That is level 5, that is where we are going. और ऐसा बोला जाता है, researchers ने ये बोला है कि
वी आर लेवल टू नाउ, लेवल थ्री इन इन सम कमिंग टू और थ्री इयर्स वी विल बी इन लेवल थ्री. लेवल फोर आएगा नेक्स्ट 10 इयर्स में और लेवल फाइव आएगा नेक्स्ट 15 to 20 इयर्स में. दैट क्लोज वी आर. और उसके बाद हर कोई ऑटोनोमस ड्राइविंग करेगा, कार सेल्फ ड्राइव करेंगे. ऑल राइट, द ब्यूटी इज ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है. जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का अंदर लगा हुआ रहेगा कार के अंदर, उसी को ट्विक करके आपके सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर, उसी को ट्विक करके आपके ऐप्स जो सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए बने, उसी को कस्टमाइज करके फिर वही ऐप्स, वही ऑपरेटिंग सिस्टम आप फिर टैक्सीज में, ऑटोनोमस टैक्सीज में लगा सकते हो. उसी को कस्टमाइज करके फिर आप उसको ट्रक्स में लगा सकते हो. मतलब ट्रक को आप बोल सकते हो उसमें एक बार गुड्स लोड कर दिए हम लोगों ने, ट्रक को हम लोग कमांड देंगे यहाँ से यहाँ पे उसको ये करना पहुँचाना है, तो ट्रक ओवरनाइट ड्राइव करके वहाँ पे पहुँचा देगा. उसी को कस्टमाइज करके फिर हम लोग उसको फार्मिंग में लगा सकते हैं. जो अपने ट्रैक्टर्स है, जो ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, लाइक हम लोगों को बोलना है कि कोई मशीन है बहुत बड़ा या फिर ट्रैक्टर है जिसको बोलना है कि ये 20 एकड़ जो है इसके ऊपर काम करना शुरू कर दो. तो यू डोंट हैव टू वॉच व्हाट ट्रैक्टर इज डूइंग, हाउ ही इज डूइंग, यू डोंट नीड टू बी देयर. आप उसको कमांड देके छोड़ देंगे, वो कर देगा. वही कोड को कस्टमाइज करके हम लोग कंस्ट्रक्शन में लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स में. उसी को कस्टमाइज करके हम लोग माइनिंग में लगा सकते हैं. उसी को कस्टमाइज करके हम लोग हेल्थ केयर में, मतलब सिटी स्कैन्स, MRI, उसके अंदर तो ऑलरेडी लिनक्स रनिंग है, वहाँ पे लगा सकते हैं. उसी को कस्टमाइज करके हम लोग उसको ट्रेन में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रोज में, प्लेन्स में लगा सकते हैं. उसी को ट्रांसफॉर्म करके अल्टीमेटली हम लोग उसको ड्रोन्स में या फिर रोबोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं. सो स्काई इज द लिमिट. सो इंडस्ट्री इज रिवोल्यूशनाइजिंग कम्प्लीटली ऑल टुगेदर. और यहाँ पे मैं एंड करना चाहूँगा एक छोटी स्टोरी के ऊपर, किस तरह से स्मार्ट पब्लिक काम कर रही है ये स्मार्ट व्हीकल्स के ऊपर, इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं. ये घटना हुई थी ऑलमोस्ट 20 to 25 ईयर्स बिफोर फोर्ड के साथ हुई थी. आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको ये स्टोरी मिल जाएगी. इसको बोला जाता है कि फोर्ड का, फोर्ड्स वैनिला आइसक्रीम प्रॉब्लम इसको बोला जाता है. तो उस पर क्या हुआ था, एक यूज़र था, एक यूज़र ने कंप्लेंट किया फोर्ड को कि जब भी मैं अपनी कार ड्राइव करके 2 किलोमीटर जाता हूँ आउटसाइड टाउन जाता हूँ, वहाँ पे एक आइसक्रीम शॉप है, वहाँ पे जाता हूँ, जब मैं वैनिला आइसक्रीम ऑर्डर करता हूँ तो मेरी कार बंद हो जाती है अपने आप, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बाद. लेकिन अगर मैं कोई और आइसक्रीम ऑर्डर करता हूँ, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, मैंगो या फिर एनी अदर फ्लेवर ऑर्डर करता हूँ मैं, तो कार अपने आप बंद नहीं होती, एब्सोल्युटली फाइन काम करती है वो. लेकिन जब भी मैं वैनिला ही करता हूँ तभी ये प्रॉब्लम होता है. ये प्रॉब्लम बहुत पॉपुलर हो गया, पेपर आउट हो गया, पब्लिक बहुत इसके बारे में बात करना शुरू किया, फोर्ड ने नोटिस किया. फोर्ड ने फिर अपने सबसे बेस्ट इंजीनियर फेड जो था बोल के, वो फेड को, फेडरिक उसको फेड बोला जाता है, फेड को भेजा वहाँ पे. फेड वहाँ पे गया, सबसे स्मार्ट इंजीनियर हो, अभी ऐसे स्मार्ट इंजीनियर स्मार्ट व्हीकल्स में काम कर रहे हैं, इसलिए इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो चुकी है. तो इस फेड वहाँ पे गया, उसने अपना एनालिसिस किया, उसके एनालिसिस के हिसाब से ये जो शॉप था, 2 किलोमीटर चल के जाते हो आप तो 2 किलोमीटर सॉरी ड्राइव करके जाते हो आप, 2 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद इंजन हीटअप हो जाता है. ऑलराइट, तो जब भी वो आइडल होता है तो होता क्या है कि आप जब स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम या फिर बाकी सब आइसक्रीम ऑर्डर करते हो तो ये उनके फेमस आइसक्रीम्स है, वेरियज वैनिला इतना फेमस नहीं है, उसका इतना डिमांड नहीं है. तो वैनिला जो रखा जाता है वो फ्रंट काउंटर पर रखा नहीं जाता है, जो बैक साइड काउंटर है जिसको जाके लेके आने के लिए 15 to 20 seconds लगते हैं, इतना डिस्टेंस के ऊपर उसको रखा जाता है. लेकिन जो बेस्ट सेलिंग आइटम्स उनके हैं, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट, दीज आर ऑन द फ्रंट काउंटर्स. तो ये वैनिला आइसक्रीम इज अ ऑड ऑर्डर. तो जब आप वो लेते हो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम वाला ऑर्डर, तो आपको 4 या 5 seconds में 10 seconds में आपको ऑर्डर मिल जाता है, कार बिहेव्स प्रॉपरली. लेकिन जब आप वैनिला आइसक्रीम के ऑर्डर देते हो तो शॉपकीपर हैज टू गो फ्रॉम हिज प्लेस, गोज बैक ऑन द बैक काउंटर, 15 seconds, 20 seconds, 30 seconds लगेंगे उसको ऑर्डर हैंड ओवर करने के लिए. ये जो 20-30 seconds का आइडलनेस आता है उसमें कार कंसिडर कर लेती है कि कार की अभी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही शट डाउन हो जाती थी क्योंकि खुद को कूल करने के लिए. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम वाज. तो जो एल्गोरिदम उसके अंदर लगाया गया था, ECU उसके अंदर जो लगाया गया था, वो डिटेक्ट कर रहा था कि कार इज आइडल फॉर मोर देन 10-50 seconds, दैट मीन्स द ड्राइवर डजंट नीड अ कार ऑन, वो अपने आप बंद हो जाती थी. तो दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम वॉज. तो उसको फिर ट्यून किया गया, वो एल्गोरिथम को बदला गया, वो ECU को भी बदला गया और इसके हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. दैट्स हाउ इट इज़. सो इट्स अ ब्राइट, सो ऐसे बंदे ये फेड जैसे ब्राइट बंदे दिन रात इसके अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं. सो फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट
and get ready to sit in a smart car. That is what I wanted to share today. I hope you might have liked this video. Please like, subscribe and share. My name is Yogesh Abar and I am signing off. I'll see you in the next video. Thank you.